हीरो से भी ज्यादा फीस लेने वाले प्राण की आखिरी समय में हुई थी ऐसी हालत, चलने को तरस गए थे। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर प्राण की 12 जुलाई को पुण्यतिथि होता है। अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर प्राण हर फिल्म के लिए भारी फीस लिया करते थे। उनकी फीस हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी मात्र 1 रुपए में साइन की थी। उस दौरान राज कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसको देखते हुए प्राण ने फीस नहीं ली। प्राण जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वे असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल थे। प्राण का जन्म दिल्ली के बलीमारान इलाके में 12 फरवरी 1920 को हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया था। दिल्ली में उनका परिवार बेहद समृद्ध था। वे बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे, खास तौर पर गणित में। यह प्राण की पहली फिल्म बनी और सुपरहिट रही। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। दिलसुख पंचोली की इस फिल्म में उनकी एक ट्रेस नूर जहां थी। बंटवारे से पहले प्राण ने 22 फिल्मों में नेगेटिव रोल किया। वे उस समय के काफी चर्चित विलेन बन चुके थे। आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। यह उनके लिए संघर्ष का समय था। मुंबई आने के बाद प्राण को फिल्म जिदी में मिला था। इस फिल्म के लीड रोल में देवानंद और कामिनी कौशल थे। जिदी के बाद इस दशक की सभी फिल्मों में प्राण खलनायक के रोल में नजर आए। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आजाद, मधुमति, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देवानंद के साथ मुन्नीम जी 1955, अमरदीप 1958 जैसी फिल्में पसंद की गई। फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। इस फिल्म ने अमिताभ का करियर पलट कर रख दिया था। इस किरदार को पहले देवानंद और धर्मेंद्र ने नकार दिया था। प्राण ने अमिताभ की दोस्ती के चलते इसमें शेर खान का किरदार भी निभाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ वंजीर, डान, अमर अकबर अंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया और शराबी जैसी फिल्में महत्वपूर्ण है। प्राण को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण और इसी साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। कांपते पैरों की वजह से वे 1997 से व्हील चेयर पर जीवन गुजार रहे थे।